जो फॉर्मूले मैंने इसके पहले बताए थे वो आपको बाहर करना है, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट, जो भी फंक्शन दिया उसको मैं वाई से कंसिडर कर रहा हूं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू होल क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर फोर। अभी देखो स्टूडेंट, अगर यू बाई बी के फॉर्म में अगर दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकता हूं मैं, लेकिन यहाँ पे u by v के फॉर्म में ये तीन फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है और ये फंक्शन है। तो क्वेश्चन में अगर कोई फंक्शन रहता है तो उसमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, लॉग अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या फिर आप लिख ही लो ना, ठीक है, समझने के लिए क्या प्रॉब्लम है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है स्टूडेंट्स। तो आएंगे यहाँ पे लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू होल क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री रेस टू पावर फोर। तो स्टूडेंट लॉग वाई अभी यहां पे पहले डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करना है हमको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो पहले मैं स्टूडेंट यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, लॉग ए बाई बी। लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो पहले मैं ए बाई बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये आएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर लॉग ए माइनस लॉग बी, ये आएगा स्टूडेंट एक्स प्लस टू होल क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री रेस टू पावर फोर, ठीक है। अभी स्टूडेंट लॉग एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी क्या होता है स्टूडेंट, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लेकिन देखो यहां पे माइनस का साइन है, तो यहां पे लॉग ए प्लस लॉग बी नहीं होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी होगा। तो एक ही जगह क्या है स्टूडेंट, लॉग x प्लस टू होल क्यू माइनस, यहाँ पे फॉर्मूले में लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट अगर मैं निकालता हूं तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग x प्लस थ्री रेस टू पावर फोर। अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था कि लॉग के जो नंबर रहता है उसके पावर में अगर कोई नंबर रहता है तो वो लॉग के पहले आ जाता है, तो यहाँ पे टू पहले आ जाएगा, यहाँ पे थ्री पहले आ जाएगा और यहाँ पे फोर पहले आ जाएगा, और ये लॉग वाई एज इट इज। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं लॉग वाई इक्वल टू टू पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट टू लॉग एक्स प्लस वन माइनस, यहाँ पे थ्री पहले आ जाएगा, थ्री लॉग एक्स प्लस टू माइनस, यहां पे फोर पहले आ जाएगा, फोर लॉग एक्स प्लस थ्री, ठीक है। देखो स्टूडेंट यहां पे लॉग वाई इक्वल टू, अभी स्टूडेंट मैं अभी इसको डेरिवेटिव निकाल सकता हूं क्योंकि मैंने पूरे अभी तक फॉर्मूले यूज किए हैं, अभी मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं। तो यहां पे लिखो डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ x log y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, अभी यहां पे जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स वो 2 पे नहीं अप्लाई होगा, 2 इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, तो यहां पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस वन माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस टू माइनस फोर इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस थ्री। तो स्टूडेंट्स लॉग डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, ये आएगा स्टूडेंट्स वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें चेन रूल अप्लाई करना है, डी बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, बराबर है।
तो डेरिवेटिव क्या वाई लॉग वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई आता है 1 बाय वाई और डीवाई बाय डीएक्स इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस 1 लॉग एक्स प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या आएगा 1 अपॉन एक्स यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मुझे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 3 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 3 तो dy बाय dx और स्टूडेंट आपको क्या करना है ये जो y है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करना है तो y को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो यहां पे आएगा y इंटू 2 अपॉन x प्लस 1 यहां पे डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया डेरिवेटिव ऑफ 1 0 बराबर है यहां पे यही समझने के लिए मैं लिख रहा हूं 0 प्लस सॉरी x का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 माइनस 3 इंटू ठीक है आप यहां पे स्पेस नहीं आप समझ लेना 3 अपॉन चलो मैं ये नीचे लिख रहा हूं ठीक है तो ये आएगा स्टूडेंट 2 अपॉन y इंटू ये y इधर शिफ्ट हो गया y इंटू 2 अपॉन x प्लस 1 ये स्टेप में लिख रहा हूं डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन डेरिवेटिव ऑफ वन जीरो तो यहां पे वन आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन डेरिवेटिव ऑफ टू जीरो यहां पे वन ही आएगा माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री और इसका डेरिवेटिव वन डेरिवेटिव ऑफ थ्री जीरो हो गया स्टूडेंट डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू अभी वाई की वैल्यू हमारा वाई क्या था वाई की वैल्यू ये थी ये था ना एग्जाम्पल वाई ठीक है तो स्टूडेंट्स ये आपको यहां पे लिखना है वाई की जगह ये वैल्यू इसको अगर मैं यहां पे समझने के लिए इक्वेशन वन लिख रहा हूं तो ये आप वाई की वैल्यू यहां पे लिख लेना एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस टू होल क्यूब इंटू एक्स प्लस थ्री रेस टू पावर फोर और ये टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री ठीक है तो ये हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जाम्पल ठीक है आप इसको नोट डाउन कर लो